हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं शिनोकुबो। तो हम लोग घर से पैदल ही निकल पड़े हैं शिनोकुबो के लिए। यहाँ से पहले शिंजुकु जाएंगे और वहाँ से फिर शिनोकुबो जाएंगे। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, गर्मी भी काफी कम है। तो देखिए रास्ते पे भीड़ भी बहुत कम है। आज संडे है, वीकेंड है, तो इसीलिए काफी चलने में भी मजा आ रहा है। यहाँ कई दुकानों के बाहर इस तरह से डेकोरेट करके रखा जाता है। तो रास्ते काफी खाली हैं। हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आपने मेरे पहले वीडियोस में तो सुने ही होगा उसका नाम योदोवाशी कैमरा, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग शिनोकुबो जाएंगे। वो कैमरा का दुकान तो बिल्कुल स्टेशन के पास, शिंजुकु स्टेशन के पास ही है। देखिए रास्ता कितना साफ सुथरा है और चलने में भी आराम मजा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से भी शिंजुकु स्टेशन के लिए अंडरग्राउंड रास्ता है। और ये देखिए, ये है जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो शिंजुकु का एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। ये एक नया दुकान खुला है ओतोरी, बनाना फ्लेवर के काफी कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, पाचिंको है। इस वक्त दोपहर का टाइम है, देख के लग भी नहीं रहा कि दोपहर है और बिल्कुल खाली खाली सा है। शायद वीकेंड है इसीलिए काफी खाली लग रहा है। शिंजुकु का दूसरा आइकॉनिक बिल्डिंग सामने दिखाई दे रहा है, एक डोम के टाइप का है। यहाँ पे इन रस्तों पे काफी बार्स भी है और पाचिंको भी है, इसीलिए शाम के टाइम से यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक रामेन का दुकान है, रेस्टोरेंट, ये भी एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भर के है, इस वक्त तो काफी खाली है, तब शाम से भीड़ होना शुरू होगा। ये रहा सामने योदोवाशी कैमरा। यहाँ पे शिंजुकु में जो योदोवाशी कैमरा है उसके तो कई सारे बिल्डिंग है बगल ही बगल, सब एक या दो फ्लोर अबव द ग्राउंड और एक या दो फ्लोर बिलो द ग्राउंड है। तो अभी हम लोग शिंजुकु स्टेशन के दूसरे तरफ आ गए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सिनेमा हॉल भी है जिसके ऊपर एक गॉडज़िला का सेट बना हुआ है, आपने मेरे पहले वीडियोस में तो देखे ही होंगे। ये जगह भी शाम के बाद से भीड़ होनी शुरू हो जाती है, मतलब जो लोग नाइट लाइफ पसंद करते हैं वो लोग यहाँ पे घूमते फिरते नजर आएंगे। अभी हम लोग शिंजुकु देखिए, ये शिंजुकु प्रिंस होटल, इसके बगल से हम लोग जा रहे हैं शिनोकुबो की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। ये लाइट पोस्ट में जो डेकोरेशन किया है इसको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है इस तरह। इस रास्ते पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स हैं। अभी हम लोग आ गए हैं शिनोकुबो में। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरियन रेस्टोरेंट्स है, एक के बाद एक कोरियन रेस्टोरेंट। ये नया खुला है एक डेजर्ट बार, देखिए हर तरफ से कोरियन रेस्टोरेंट। वैसे भीड़ भी वैसे ही होती है, बहुत भीड़ होती है सब रेस्टोरेंट्स।
अभी हम लोग मेन रोड में पहुंचने वाले हैं और सामने ही दिखाई दे रहा है आंगन रेस्टोरेंट। यहाँ पे नेपाली फूड हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करने आए थे, बहुत अच्छा लगा था हमें नेपाली क्यूजीन। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको आंगन का वीडियो मिल जाएगा, आपको ज़रूर देखिएगा। खाना बहुत अच्छा था, हम लोग ने थका ली प्लेट या सब कुछ लिया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोरियन रेस्टोरेंट में। ये बहुत ही फेमस हुआ है रिसेंटली, बहुत फेमस हुआ है ये कोरियन रेस्टोरेंट। ये पूरा मेन्यू कार्ड जापानीज और कोरियन में है और कुछ सामान ही सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं, तो मुझे गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ा जानने के लिए कि क्या लिखा है। तो उन्होंने कुछ एक लिया था ड्रिंक, मैंने सिर्फ कोला लिया है, तो मुझे कैन और आइस वाला ग्लास पकड़ा दिया। रेस्टोरेंट ज्यादा बड़ा नहीं है पर दो फ्लोर का है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, मतलब जापान में बोला जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं। ये है कोरियन किमची पैनकेक। देख के हम लोग को लगा कि थोड़ा स्पाइसी होगा, किमची तो वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है हम लोग को। हाँ, कोरियन क्यूजीन में स्टील का चॉपस्टिक्स यूज होता है और जापानीज क्यूजीन में ये बैम्बू या फिर लकड़ी का चॉपस्टिक्स यूज होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है और कोरियन लोग काफी स्पाइसी खाते हैं। अब मुझसे तो गरम खाया नहीं जाता। खाना बहुत टेस्टी था, मतलब सिर्फ किमची एक तरह से उन लोग का फर्मेंटेड कैबेज, और भी कैबेज ही ज्यादातर वो लोग करते हैं और भी कई चीजों से बनाते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी था। और ये हम लोग का दूसरा डिश आ गया है, स्पाइसी चिकन। देखिए खाना इतना टेस्टी था कि हम लोगों ने पूरा खा लिया, मेरा पेट भी भर गया है, कोला भी खत्म हो गया, अभी पानी पी रही हूँ। ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग ने खाया था, होशेगी टू वा चिकन ऐसे कुछ एक नाम है रेस्टोरेंट। हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, होशेगी टू वा चिकन, बहुत अच्छा खाना था। हम लोगों ने खाया चिकन, फ्राइड चिकन स्पाइसी और किमची पैनकेक। किमची पैनकेक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, फ्राइड चिकन से भी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे सामने में एक डेजर्ट का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग का खाने का मन था। हमने सोचा था कि यहाँ पे कम खाना खाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग डेजर्ट खाएंगे, बट चिकन खाने के बाद ही हम लोग का पेट भर गया। डेजर्ट का आइडिया हम लोग को अभी किसी दूसरे दिन अप्लाई करना पड़ेगा। ब्राउन शुगर बबल मिल्क ये बहुत फेमस है यहाँ पे कोरियन डिश में। K-pop fans तो जानते ही होंगे, BTS and others को। K-pop को बेस करते हैं यहाँ पे ornaments, dress, bag सब कुछ मिलते हैं।
अभी मुझे मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की जरूरत है ये लोग कौन है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, साथ में बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।